मर्चेंट बैंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न व्हाट इज मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग वॉज स्टार्टेड इन 17th एंड 18th सेंचुरी इन इटली एंड फ्रांस। दिस वॉज स्टार्टेड इन इटालियन एंड जर्मन मर्चेंट। इट जो मर्चेंट बैंकिंग होता है वो एज अ कंसल्टेंसी सर्विस की तरह होता है। हम उससे सर्विस लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर बहुत सारे कंसल्टेंसी सर्विसेज करते हैं, उसके लिए हम उसको फीस पे करते हैं। इसमें कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी नॉर्मल पर्सन भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है इसमें, इट कंप्राइजेज ऑफ मर्चेंट बैंकर्स हु इंटरमीडिएटेड और असिस्टेड इन अ फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन। जो भी अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई भी अपना किसी को भी कुछ शेयर होल्डर्स देने हो, कुछ शेयर्स देने हो, किसी भी फाइनेंस में इन्वेस्ट करना हो, उसके लिए वो मर्चेंट बैंकिंग की हेल्प लेता है। एक तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज है। नेक्स्ट आते हैं, मीनिंग क्या होता है मर्चेंट बैंकिंग का। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस। एक तरीके की बैंकिंग भी और एक कंसल्टेंसी सर्विस भी है, जो हमारे 17th और 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट ये इटली और जापान में स्टार्ट हुई थी, इटली एंड फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स अ कंसल्टेंसी टू इट्स क्लाइंट्स को देते हैं फॉर फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजर एंड लीगल मैटर्स में। किसी भी मैटर में हो, अगर कोई बिजनेस लॉस में चल रहा हो, उसको प्रॉफिट ना हो रहा हो, तो वो मर्चेंट बैंकिंग की हेल्प से किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं, लाइक टू फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजर एंड लीगल मैटर्स में भी हेल्प ले सकते हैं। कंसल्टेंसी मीन्स टू प्रोवाइड एडवाइस गाइडेंस फॉर अ फीस। जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी ICICI बैंक्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से बैंक इसमें इन्वॉल्व है, वो सब मर्चेंट बैंकिंग के अगेंस्ट में फीस चार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ा, हमारा जैसे जैसे आगे हमारा बिजनेस बढ़ा, हमारा फॉरेन ट्रेड भी स्टार्ट हो चुका था इन द मॉडर्न एरा। जैसे जैसे सर्विस बढ़ती गई, वैसे वैसे लोन्स के लिए भी हमें हेल्प देने लगा, अंडरराइटिंग द इशू ऑफ शेयर। जितने भी अंडरराइटर्स होते हैं वो भी मर्चेंट बैंकिंग की हेल्प लेते हैं। अंडरराइटर्स कौन इशू करते हैं, कंपनी अंडरराइटर्स को रखती है, ब्रोकर्स को रखती है, लेकिन वो भी मर्चेंट बैंकिंग की हेल्प लेता है शेयर्स को इशू करने में और शेयर्स को सेल करने में। अगर पब्लिक नहीं लेती, आगे हम पढ़ेंगे कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है टोटल शेयर का, अगर वो नहीं लेती मर्चेंट बैंकिंग के थ्रू नहीं ले पाते, तो वो जितने भी अंडरराइटर्स होते हैं वो उनको ले लेते हैं, किसको, शेयर्स को, ठीक है। ये सब हेल्प करता है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है हमारा, कंसल्टेंसी मीन्स टू प्रोवाइड एडवाइस गाइडेंस फॉर अ फीस। जितने भी हमारे बैंक्स हैं वो इसके अगेंस्ट में फीस लेते हैं। नेक्स्ट है, इट एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंजीनियर फॉर अ बिजनेस। जैसे हमारे इंजीनियर्स होते हैं, ये बिजनेस के लिए एक इंजीनियर है, कौन, मर्चेंट बैंकर। ये उनको फाइनेंशियल हेल्प देता है टू ग्रो अ बिजनेस, टू अर्न अ मोर प्रॉफिट। ये नेक्स्ट है, इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1967 बाय द ग्रिंडले बैंक। फर्स्ट हमारा जो ग्रिंडले बैंक था, व्हेन ग्रिंडले बैंक रिसीव अ लाइसेंस फ्रॉम RBI। जितना भी हमारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो सब कुछ RBI के थ्रू होता है। RBI की फुल फॉर्म है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मर्चेंट बैंकिंग हैज मेड अ रैपिड प्रोग्रेस इन 1970। इसने अपनी प्रोग्रेस कब पढ़ाई, 1970s में, जब लोगों को समझ आने लगा कि व्हाट इज एक्चुअली अ मर्चेंट बैंकिंग। जनरली जितने भी पीपल होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, नॉर्मल पर्सन, कोई भी कंपनी में भी कोई भी शेयर होल्डर्स होता है, जो कंपनी के कैपिटल इशू करते हैं, जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, वो जनरली किसी पे भी इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और उस टाइम इतना मॉडर्न एरा नहीं था हमारे पास बिफोर दिस इन 1970s कि हम किसी पे भी जनरली ट्रस्ट कर लें। तो मर्चेंट बैंकिंग सबके लिए न्यू थी, एक बिजनेसमैन के लिए भी, किसी भी कंपनी के लिए, और किसी भी कॉमन पर्सन के लिए जो एक अपना सोल प्रोपराइटर है, एक ज्वाइंट वेंचर है, उसके लिए भी थी। पहले हमारे पास हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भी थी, HUF, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था किसी पे भी ट्रस्ट करना। तो मर्चेंट बैंकिंग बहुत बड़ी चीज थी इन द एरा ऑफ 1970s। इसने अपना रैपिड प्रोग्रेस करी 1970s में। सिटी बैंक, हमने पहले भी पढ़ा था सिटी बैंक के बारे में, इसी वीडियोज में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी।
सिटी बैंक सेटअप इट्स मर्चेंट बैंकिंग इन 1917 इन इंडिया, जो फोर्स हमारी सिटी बैंक ने करी थी. फिर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था मर्चेंट बैंकिंग आफ्टर अ टू इयर्स इन 1972. नेक्स्ट हुई थी इंडियन बैंक स्टार्टेड बैंकिंग सर्विस फॉर 1972. जितना भी हमारा बैंक होता है वो सब हमारा RBI गवर्न करता है. उसके लिए हमें RBI से परमिशन लेनी पड़ती है. हमने मर्चेंट बैंकिंग का मीनिंग देख लिया था, उसकी हिस्ट्री देख ली थी. अब नेक्स्ट पार्ट है इंस्टीट्यूट ऑफर्स मर्चेंट बैंकिंग. कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मर्चेंट बैंकिंग देते हैं? ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFCI फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, एक करूड़ा व्यासा बैंक. ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब ये गवर्नमेंट सेक्टर्स बैंक है जिसमें हमारा 51% शेयर होने चाहिए. जितने भी हमारे गवर्नमेंट बैंक है उनके पास 51 शेयर्स होने चाहिए. हमने पहले पढ़ा था पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं, अब हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट बैंकिंग हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन कौन से होते हैं. इसमें हमारे 6 टाइप के बैंक हैं, उसमें हमारे 5 टाइप्स के बैंक थे. फर्स्ट है ICICI सिक्योरिटीज, एक्सिस बैंक, बजाज कैपिटल लिमिटेड, टाटा कैपिटल मार्केट. ऑफ फिफ्थ है हमारे रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड नाउ 6th इज कोटक महिंद्रा कैपिटल. हमने अभी तक देखा था इंस्टीट्यूट ऑफर्स मर्चेंट बैंकिंग ऐसे इंस्टीट्यूट जो पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी है. लेकिन हमारे पास ऐसे फॉरेन बैंक्स भी हैं जो मर्चेंट बैंकिंग हमें अलाउ करते हैं. कौन कौन से? गोल्डमैन सैच, मॉर्गन स्टैनले, बार्कले सिक्योरिटीज, बैंक ऑफ अमेरिका, डसेज बैंक, बार्कले बैंक. हमने देखा, हम देखते हैं डिफरेंसेस. हमने कमर्शियल बैंक के बारे में पहली वाली वीडियोस में पढ़ा था. हमारा चैप्टर चल रहा है मर्चेंट बैंकिंग. इसमें मेन डिफरेंस देखते हैं कि कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस होता है और हमारी मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है. नीड्स ऑफ कॉमन मैन, कोई भी ओपन कर सकते हैं. हमने इससे पहले वाली वीडियोज में पढ़ा था करंट अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट पढ़े थे हमने, ठीक है. लेकिन जो मर्चेंट बैंक होता है वो नीड होती है कॉर्पोरेट फर्म की, मतलब बिजनेसमैन कंपनीज इन सब की नीड्स होती है क्या मर्चेंट बैंकिंग, ठीक है. एनीवन कैन ओपन एन अकाउंट. हमें सिर्फ थोड़ा सा सम ऑफ अमाउंट चाहिए होता है डिपॉजिट करवाने के लिए, फिक्स अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट. लेकिन ये कोई भी ओपन करवा सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी डन. मर्चेंट बैंकिंग ये बहुत अलग चीज है, उसमें हमें कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाना पड़ता. हमें एक तरीके की एडवाइस लेनी पड़ती है, एक तरीके की फाइनेंशियल डिस्कशन करने पड़ते हैं, कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें और कहाँ पे ना करें, ठीक है. लेकिन कमर्शियल बैंक एक बहुत सिंपल सा है, अपना अकाउंट ओपन करो सम ऑफ अमाउंट से जितना भी जिसमें भी अवेलेबल है, एग्जाम्पल करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट में. लेस एक्सपोज टू रिस्क, रिस्क तो होता ही है कमर्शियल बैंकिंग में क्योंकि हमारा पैसा सेफ रहता है, लेकिन इसमें रिस्क है. हमें किसी ने भी मर्चेंट बैंकिंग के थ्रू किसी ने भी एडवाइस दी और ऑन द वे हमारी वो एडवाइस नहीं हुई, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुई. बिजनेस है बहुत ज़्यादा डायनेमिक नेचर होता है बिजनेस का, चेंजिंग नेचर होता है. वो हमारी एडवाइस नहीं सही आई, कोई फाइनेंशियल दिया, हमने कोई भी शेयर्स खरीद लिए कंपनी के, बट एट द लास्ट कंपनी हमारी वो हो गई, डिजॉल्व हो गई या कुछ भी हो गया, एनी रीजन से हमारे शेयर्स हो गए, तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा रिलेटेड टू, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेटेड टू सेकेंडरी मार्केट. जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो रिलेटेड होते हैं सेकेंडरी मार्केट से, जो मर्चेंट बैंकिंग होती है वो रिलेटेड होती है प्राइमरी मार्केट से. अगर आपको इसका भी मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगी व्हाट इज अ सेकेंडरी मार्केट एंड व्हाट इज अ प्राइमरी मार्केट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. प्ले एज अ रोल ऑफ फाइनेंसर, ये एक तरीके का फाइनेंसर की तरह रोल करता है. लेकिन जो मर्चेंट बैंकिंग होती है वो प्ले करती है द रोल ऑफ अंडरराइटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल बैंकिंग एंड मर्चेंट बैंकिंग.